इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन 7 में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है, पॉजिटिव मरीज और मरने वालों की तादाद बढ़ते ही जा रही है। अखबार टीवी में सिवाय कोरोना के और कोई नजर ही नहीं आता। अब तो बड़े लोगों को कोरोना होने की खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाया जाता है। जब तक पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो जाते तब तक खबरें, यहाँ तक के दो चार इल्मी दानिश्वर भी डिबेट में शामिल किए जाते हैं और आखिर में अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है, फिर किसी और महामंत्री को पॉजिटिव बताकर वही पुराना खेल। यहाँ रोज गरीब इलाज न होने की वजह से मर रहा है, लाशों को तक जलाने दफनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, पर इस पर कभी बैठकर चर्चा तबादले ख्याल नहीं किया जाता। पर किसी अमीर सेलिब्रिटी या सियासी लीडर के बारे में सुबह नाश्ते से लेकर रात सोने तक की खबर चलाई जाती है। खैर, ईद उल अधा के तीसरे दिन भी कुछ जगहों पर जानवर जबा किए गए। इतवार के रोज किसी तरह का लॉकडाउन ना होने से एक दूसरे के घरों में जाकर ईद की मुबारक कहते भी देखा गया, पर अक्सर लोगों ने घरों पर बैठकर मोबाइल के जरिए ही ईद की मुबारकबाद पेश की। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई इल्म वाला तो हूं नहीं और मैं तालिबे इल्म हूं। इल्मी दानिशों पर तंज करना अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा लगता है कि अपनी जिम्मेदारी अगर बेहतर तरीके से निभाते तो शायद माशरे की तस्वीर कुछ और होती या और अच्छी बेहतर होती। कभी कभी यह सवाल भी खड़ा होता है कि आज के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, पर यह बात भी सच है कि मिंबर रसूल से माशरे की इस्लाह की जा सकती है। और हमने पढ़ा भी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदों से ना सिर्फ माशरे की इस्लाह होती थी बल्कि जंगी काफिले तक मस्जिद से ही रवाना हुआ करते थे। फिर क्या बात है कि आज मौजूदा हालात पर बयानात क्यों नहीं की जाते। हर साल ईद उल अधा ईद उल फित्र मनाई तो जाती है, पर इसके असल मकसद को बयान नहीं किया जाता। अब कोरोना का दौर है, कई सारी पाबंदियां हुकूमत की जानिब से है, पर जो असल मकसद ईद का होता है वह इनकलाबी पहलू लेकिन मिंबर रसूल से बताया नहीं जाता। यह सच बात है कि जब ईद उल अधा का पैगाम अल्लाह की राह में अपनी महबूब तरीन चीज को लुटाना मकसद है, तभी तो जानवरों को कुछ दिन पहले खरीद कर उनसे मोहब्बत की जाए फिर उन्हें अपने हाथों से जवा किया जाए। लेकिन अक्सर हमने देखा कि जानवर का हिस्सा देकर घरों में बैठ जाते हैं। जानवर भी जवा करने से गुरेज इसलिए करते हैं ताकि जवा करने से अक्सर लोग डरते भी हैं। अब ऐसे डरपोक लोग इस्लाम और दीन की खातिर क्या जानों की कुर्बानी देंगे, जबकि कुर्बानी के पीछे असल मकसद उम्मत को दीन की खातिर अपना सब कुछ निछावर करना है। कुर्बानी के असल मायनों पर तो सहाबा ने अमल किया था, तभी तो इन्हें अल्लाह की राह में अपनी जानों की कुर्बानी पेश करना मुश्किल नहीं बल्कि खुशनसीबी समझा करते थे। जब अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने पेश करने का मौका हासिल होता तो बेख्तियार पुकार उठते और कहते कि पहाड़ों से जन्नत की खुशबू आ रही है। आज हमारे बच्चे मोबाइल और दिगर खुराफात में मसरूफ रहते हैं, पर माज़ वो छोटे बच्चे थे जिन्होंने वक्त के सबसे बड़े इस्लाम दुश्मन अबू जहल का कत्ल किया था। कैसी तरबियत हुई होगी और कैसे वालिदैन होंगे वो जिनके घरों में अल्लाह के वली और दीन के मुजाहिद पैदा हुआ करते थे। और रमज़ान के रोज़े भी हमें भूख प्यास के मरहले से गुजार कर तरबियत के उस मकाम पर पहुंचाते हैं ताकि दीन इस्लाम की खातिर एक कतरा भी पानी ना मिले तो मैदान में टिके रहे। तभी तो सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक तरबियत से गुजारा जाता है, पर अफसोस के हमने इसका मकसद समझा ही नहीं और हमारे इमामों ने हमें इस तरफ रुजू भी नहीं किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रात भर गरीब मोहल्ले में घूमते रहना, सहरी के बाद सो जाना, असर में उठना और शाम में इफ्तारी की तैयारी में लग जाना, फिर बाजारों की सैर, हमारी नमाजों का भी यही हाल। खैर, कहने का मतलब यह है कि जिस जिल्लत के इंतहा पर हम पहुंचे इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि इनकलाबी पहलू को छोड़कर हम तमाम अरकान पर अमल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाबी पहलू पर हम अमल करना ही नहीं चाहते क्योंकि इसमें खतरा है। आज कोरोना का डर हर एक के चेहरे पर नजर आ रहा है, कोई काड़ा बना रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इस कदर डरा हुआ है कि खांसता भी है तो इसे लगता है कि कहीं कोरोना ना पकड़ लिया हो। यकीनन एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर होनी चाहिए, पर अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि मैंने तेरी जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। कुरान आगे कहता है कि आखिर तुम अल्लाह की राह में अपनी जानों को क्यों नहीं लुटाते,
क्या तुम दुनिया की जिंदगी पर राजी हो चुके हो? याद रखो, आखिरत के बदले में दुनिया की जिंदगी बहुत कम साबित होगी। कोरोना का दौर भी कयामत का एहसास दिलाने लगा है। हर कोई अपने हिसाब से इस्लाम को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। कयामत के करीब फितने बारिश के बूंदों की तरह बरसने की बातें बताई गई है। दीन पर चलना गोया हाथ में अंगारा थामने के बराबर होगा। कहीं यह वो वक्त तो नहीं, क्योंकि दीनी रहनुमा भी अब अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे। सभी को दुनिया कमाना है, भले अल्लाह नाराज हो जाए। हर जमात सुन्नतों पर अमल करने का दावा करते दिखाई देती है और अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहते, लेकिन सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे, उस सोच को हम अपनी सोच से मिला लें, अपने अंदर उस सोच को पैदा करें। सोच को अपने अंदर दाखिल करना यही सच्ची और बड़ी सुन्नत है, वरना हर अमल का दारोमदार तो नीयत पर ही होता है। तुम मुशरिकीन से डर कर दीन में क्या मिलावट कर रहे हो, इसका इल्म तो अल्लाह को है और अल्लाह से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। मौत यकीनी है, अल्लाह की राह में या फिर बिस्तर मर्ज पर, यह फैसला आपको करना है। क्या बात है कि आज कोई भी रहनुमा या लीडर मुसलमानों का नहीं है। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि 40 करोड़ की आबादी का कोई फुरसाने हाल नहीं है। आखिर नतीजा यह निकलता है कि जिस मकसद से अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा था, आज उसे दूर हैं। जब दौलत की मोहब्बत पैवस्त हो जाती है तो बुजदिली घर करने लगती है। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की राह में अपनी जान लुटाने पर आमादा नहीं कर सकती। सिर्फ कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों पड़ोसियों में बांटने से हमारा हक अदा नहीं हो सकता। हमारे जहन में सुबह शाम दीन की खातिर अपना सब कुछ निछावर करने का जज्बा नहीं होगा, तब तक जानवरों को ज़बह करना ईद उल अधा का मकसद समझेंगे, और यही समझ हमारी जहनी गुलामी के लिए काफ़ी है। जब तक हमारे जहन गुलामी की जंजीरों में कैद रहेंगे, कभी इनकलाबी तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।